नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग खत्म हो चुका है। एडमिशन भी लगभग सभी के हो चुके हैं। जिनको कॉलेज मिला था या नहीं ऑप्ट करना चाहते थे, वो नहीं गए होंगे, और जिन्होंने ऑप्ट कर लिया है वो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई। तो दोस्तों, कल आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, एक्चुअली वो मैंने पहले ही उसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ वीडियो को मैं, तो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी और अपलोड उस दिन कर दी थी मैं, क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे उस रिगार्डिंग कि आपको ग्रेड कैसे करना है, चेंज कैसे करना है, या फिर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अपीयर कैसे होना है ना। तो उस रिगार्डिंग मैंने वीडियो डाल दी थी और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। मैं देख रहा था उन्हें, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर रहा था, ऑब्वियसली बिकॉज आई वॉज बिजी। आई इज गोइंग टू धर्मशाला, जीसीटी धर्मशाला, बिकॉज आई गॉट द सेंटर ऑफ दैट कॉलेज, है ना। वो कॉलेज अलॉट हुआ, आई वॉज अलॉटेड दैट कॉलेज। तो मैं सुबह निकला था अपने घर से, लगभग 100 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, तो सुबह निकला था तो 7:30 बजे के करीब ही निकल गया था, लेकिन काफी लेट पहुंचा, 4-5 घंटे का टाइम है, तो 1:30 बजे के करीब पहुंचा था। और उसके बाद वहां पे 2.5-3 घंटे का समय लग गया शाम को। एक्चुअली जो पहले गए थे वो तो बता रहे थे 1-1.5 घंटे का ही काम है, लेकिन जब मैं गया तो वहां पे तो भाई 3 घंटे नॉर्मली लग गए मेरे को, क्योंकि बिकॉज 1.5 घंटे में पहुंच गया था वहां पे, उस टाइम लंच टाइम हो गया था। एंड देन उसके बाद प्रोसेसिंग, फॉर्म फिलिंग, एडमिशन प्रोसेस, है ना, ऑल दैट। और उसके बाद क्या हुआ, 3-4 घंटे का टाइम लग गया उसमें, तो 5 तो मुझे वहीं पे बज गए थे, 4:30-5 के करीब वहां से निकला था। 5:30 बजे से दोबारा निकला और लगभग रात को पहुंचा मैं घर आके 10 बजे, ठीक है। तो आपके कमेंट्स का रिप्लाई कहाँ से करता, तो टाइम ही नहीं था कल। इट वॉज अ हैक्टिक डे यस्टरडे, दैट वॉज वाई आई कुडंट रिप्लाई टू योर कमेंट्स, ओके। So I really sorry for the inordinate reply. Though I have not replied yet also, but don't worry, I will solving all the queries in today only, because I know from tomorrow onwards you will be appearing in the second round of counseling. Okay, so I understand that. Please don't worry, you will get replied by evening. Okay, because I have some things to do, so I am not that much free right now. But don't worry, I will reply. रिप्लाई आपको पूरा करूंगा, लेकिन एक एक और क्वेरी है मेरी, क्वेश्चन है मेरा आपसे कि वीडियो को पूरा देखिए करेगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा, फिर क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज जो भी डाउट्स आप पूछ रहे हैं वो ऑलरेडी क्लियर्ड हैं वीडियो में, ठीक है। तो केस तो वही हो सकता है ना कि आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा है ना, आपने स्किप करा है। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, दे सी द थंबनेल एंड दे आस्क द क्वेश्चन। सो ऐसा नहीं करना है भाई साहब, ऐसा मत करो। जब आप वीडियो देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन जब आप वीडियो नहीं देखोगे फिर आंसर मिलना मुश्किल हो जाता है, फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो फिर कोई बात नहीं, रिप्लाई तो मैं कर दूंगा, बट अगर आप वीडियो देख लेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। आपको भी आंसर मिल जाएगा और मेरा भी काम कम हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात यह है कि हाँ, कुछ ऐसे थे जिनको वीडियो देख लग रहा था कि वीडियो देखने के बाद डाउट आया है, वो दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो फॉल्ट इन दैट थिंग, ओके। अगर आपको डाउट है कोई तो फिर ऑब्वियसली आई विल कंफर्म दैट, है ना, उसमें डरने की कोई बात नहीं है, वो मैं करूंगा, ठीक है। लेकिन बाकियों का भी कर दूंगा, ऐसा भी बात नहीं है, बट मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए करिएगा, है ना, स्किप मत कीजिएगा। जब आप स्किप कर देते हैं तो फिर उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं होता जो मैं इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए बना रहा, है ना। आई एम नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम दैट, बट स्टिल आई वॉन्ट टू हेल्प यू, आई वॉन्ट टू हेल्प एज मच एज आई कैन फ्रॉम माई साइड, ओके। सो यू ऑल्सो हैव टू हेल्प मी बाय वॉचिंग द होल वीडियो, ओके। That is the only way you can help me, and by liking the video, okay. And these are the two things that you can do. And for appreciation, you can subscribe the channel, okay. To motivate me, you can subscribe the channel, okay. That is the whole thing I want to say. बाकी कॉलेज की बात करते हैं थोड़ी सी। कॉलेज यहाँ पे मैं गया था, तो कॉलेज तो अभी एक दिन में क्या बताऊँ, देखने का टाइम ही नहीं मिला, है ना, घूमने का भी टाइम नहीं मिला, मतलब ना तो आपको अभी इनसाइड का बता सकता हूँ कि कैसा है, ना तो बाहर का बता सकता हूँ कैसा है, और अभी एजुकेशन का तो पढ़ के ही पता चलेगा वहां पे कि ऐसा है ना, तो उसके बारे में तो नहीं बता पाऊंगा। बाकी देखने में तो ठीक लग रहा था, माहौल तो बढ़िया लग रहा था, एटमोसफेयर तो अच्छा था वहां का, है ना। तो इससे ज्यादा अभी कुछ बता नहीं पाऊंगा आपको, रिव्यू तो नहीं कर पाऊंगा, प्रॉपर रिव्यू तो वही कर पाएगा वहां पे 2 साल पढ़ के गया, 4 साल पढ़ के गया वहां पे, तो वही बता पाएगा आपको, मैं तो उतना नहीं बताऊंगा। बट हाँ, उतना बता रहा हूँ कि ठीक ठाक है कॉलेज, सही है, बढ़िया है। यूनिवर्सिटी लेवल का नहीं है, लेकिन हाँ, आपके पास और कुछ चॉइस भी नहीं है इसके अलावा, यही है आपके पास उसके बाद, है ना। लेकिन जो वहां पे काम कर रहे थे, प्रोफेसर थे जो वहां के, वो दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी गुड, है ना। आई वुड से कि उनका नेचर जो था काफी अच्छा था, दे आर वेरी हेल्पफुल एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग द कंसर्न ऑफ आवर, है ना।
वो सारा काम खुद ही कर रहे थे, हमें ज्यादा भागने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, हमने बस फॉर्म भरा था उनको पकड़ा दिया, फिर वो सारा काम सिग्नेचर सिग्नेचर जो हुआ है खुद ही कर रहे थे, खुद ही चेक कर रहे थे, ज्यादा काम वो खुद ही कर रहे थे, है ना। हमें उतना ज्यादा बड़े नहीं था स्टूडेंट्स पे, तो ये दैट वाज द थिंग आई लाइक अबाउट देम। ओके, ये चीज मुझे उनकी बहुत काफी अच्छी लगी। या एंड इसके अलावा मैं और क्या बताऊं, कुछ बच्चों की पेमेंट भी वहां पे करवा दे रहे थे वो, लेकिन हमारी पेमेंट शायद उन्होंने नहीं करवाई, मे बी अदर स्टेट करके, या फिर दे नो द रीजन बाय दे डोंट कंफर्म डायर पेमेंट देयर। उन्होंने मुझे बोला कि आप पेमेंट कर देना, उसके बाद आ जाना जब भी आपका एडमिशन हो जाए, है ना, ऐसा उन्होंने कहा था। अब पेमेंट की भी कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, पेमेंट का भी साथ में बता देता हूँ, पेमेंट मेरी भी नहीं हुई है अभी, है ना। कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि पेमेंट करते टाइम पे मेरा भी ऐसे हुआ था, पेमेंट जब मैं कर रहा था तो आई डोंट नो वाई स्क्रीन बंद हो गया, या फिर वो बंद हो गया, तो उसके बाद जो है अभी पेंडिंग ही आ रहा है कल से, और दोबारा आई एम ट्राइंग टू मेक द पेमेंट, बट अभी भी पेंडिंग ही आ रहा है वो। आई सॉ द कमेंट, समबडी आल्सो हैज द सेम, समबडी आल्सो इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, बट कोई दिक्कत नहीं है यार, उसमें 24 आवर का टाइम लिखा हुआ है ना कि 24 आवर्स के बाद होगी आपकी पेमेंट, तो वो हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, आपका ऐसा है कि आपको जो है उन्होंने डेट जरूर 15 बोली हुई है, बट ऐसा नहीं होगा, ये प्रॉब्लम उनकी ओर से है, तो ऑब्वियसली दे विल गिव टाइम, है ना, रिटर्न में तो नहीं आएगा, लेकिन ऑब्वियसली दे विल गिव टाइम। एंड आई थिंक आपको पेमेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको कर देनी चाहिए, और एचपीयू को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि आपकी जो पेमेंट है, रोल नंबर दिस एंड दैट इज द माई नेम एंड माई पेमेंट हैज गॉटन स्टक, बट आई आई वॉन्ट टू टेक दिस कॉलेज एंड प्लीज कन्फर्म दिस फ्रॉम योर साइट, है ना। तो कन्फर्म तभी होगा जब आप पेमेंट करेंगे, बट आपकी पेमेंट नहीं हो रही है तो ये एचपीयू को इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको कि आपकी पेमेंट नहीं हो रही है ना, कल से आप ट्राई कर रहे हैं, या फिर इनवैलिड आईडी पासवर्ड आ रहा है, या क्या जो कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। जिनकी इनवैलिड आईडी पासवर्ड आ रही है वो ट्राई करें कि लैपटॉप से ट्राई करके देखें, कंप्यूटर से ट्राई करके देखें, तो में भी हो जाएगी उनकी पेमेंट, है ना। क्योंकि जब मैंने पहली दफा पढ़ा था तो वो स्क्रोल होता जा रहा था, लेकिन बाद में वो ओपन हो गया और पेमेंट होने ही वाली थी, और पता नहीं क्यों दैट साइट वॉज स्टक एंड आई कुडंट मेक द पेमेंट, और उसके बाद अभी पेंडिंग ही आ रहा है, तो मेरे ख्याल से वो 24 आवर्स के बाद सॉल्व होगा। हालांकि उन्होंने लिखा था कि आप 8 प्रयासों के बाद अभी आप 8th प्रयास कर सकते हैं, आप 8 प्रयास कर सकते हैं एक दिन में, लेकिन पता नहीं क्यों वो 1st प्रयास के बाद ही नहीं हुआ है, 1st प्रोसेस के बाद हुआ ही नहीं, पेंडिंग ही आ रहा है उससे। तो वहां पे लिख रहे हैं वो कि 24 आवर्स के बाद ट्राई कीजिएगा, तो हम अभी आज शाम को देखेंगे फिर दोबारा ट्राई करके, मे भी हो जाए पेमेंट। और अभी क्योंकि सेकंड काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है, तो अभी भी आपकी सीट जो है ऐसा नहीं कि सीट आपकी कहीं और चली जाएगी, तो कन्फर्म हो जाएगी, आज का दिन भी है आपके पास उस हिसाब से अगर देखे तो, काउंसलिंग के हिसाब से, ठीक है। और काउंसलिंग के बाद भी मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे सीट वो इतनी जल्दी दूसरों को देंगे, है ना, सेकंड काउंसलिंग में ही दे देंगे जिन्होंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा दिए हैं, तो उनकी सीट तो नहीं जाएगी अभी फिलहाल जहां तक मेरे तक, अगर आपकी पेमेंट नहीं हुई है तो भी, ठीक है। तो उस तरीके को ध्यान रखें रखिए, बाकी इन्फॉर्म कर दीजिए यूनिवर्सिटी को, बाकी हो जाएगा आपका, पेमेंट का कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। और बस इसके अलावा मैं क्या बात करूं अभी, मैं तो जस्टली आपको बताने आया था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला मिला है काउंसलिंग में। ऑब्वियसली मैं भी एचपीयू ही चाहता था, लेकिन अब नहीं मिला तो क्या करें, हम तो अपग्रेड भी नहीं कर सकते अदर स्टेट के लिए, फर्स्ट काउंसलिंग ये है ना, सेकंड काउंसलिंग में देखेंगे करके ऑप्शन, लेकिन मुझे नहीं लगता 45 रैंक है मेरा, तो आई डोंट थिंक के 45 रैंक पे मुझे एचपीयू मिलना चाहिए, मिलेगा भी नहीं, मिलना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आई थिंक 20th रैंक तो होना चाहिए, 20th रैंक है ना, 20 भी ज्यादा है, आई थिंक 15th रैंक होना चाहिए, 15 रैंक तक ही मिली होगी एचपीयू में सीट, बाकी बता देंगे जिनको मिली है अदर स्टेट से, वो बता देंगे कि अदर स्टेट की कितने रैंक पे सीट गई है, मेरे ख्याल से 15 रैंक तक ही गई होगी, जहां तक मेरा आइडिया है 16 सीट्स हैं टोटल, 16 सीट्स हैं, तो आई थिंक उस हिसाब से एचपीयू मिलेगा, नहीं तो अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसको, ये बेटर है, जो मिले वो बढ़िया है, जो ना मिले वो उसे बढ़िया है, कोई बात नहीं, है ना। तो देखते हैं अभी क्या होता है, आप अभी उसके अलावा कुछ और डाउट्स थे, पर्सनल डाउट्स थे, यू नो रिगार्डिंग जो काउंसलिंग थे, एक और डाउट जो, हाँ एक और डाउट रेगुलरली आ रहा था, वो ये था कि आपको 3 ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे, वो 3 ऑप्शन कैसे दिखाई देंगे भाई साहब, पहले फर्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा यस, फिर सेकंड वाला ऑप्शन आएगा, फिर उस पर यस करना पड़ेगा, थर्ड वाला आएगा, फिर उस पर यस करना पड़ेगा, ऐसे होगा ना, पहले में कुछ करोगे नहीं तो फिर सेकंड वाला ऑप्शन कैसे आएगा। ओके, बाकी अभी नहीं होगा वो, सेकंड राउंड का काउंसलिंग का स्टार्ट होने दीजिए, अभी 19 से शुरू होगा वो, अभी नहीं होगा, अभी मत कीजिए भाई उसको, अभी मत खोलिए, जब उस वहां पे सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आ जाएगा ना, उस पे क्लिक करके फिर करना है, अभी पहले मत कीजिए उसको, ठीक है।
पहले मत कीजिए, वो सेकंड राउंड से शुरू होगा, तो आपको अभी नहीं करना है वो। ओके, सेकंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होने दीजिए, फिर कीजिएगा वो। बाकी एक बार यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर सकते हैं। ओके, अगर डाउट है, शक है, तो फिर यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लीजिए। मैं तो पहले बोलता हूँ, जो भी बात मैं बोलता हूँ यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लो भाई, कॉल कर लो, वो आप ही के लिए है ना। एक बार में नहीं उठाते, दो बार करो, तीन बार करो, चार बार करो, आप ही का जवाब देने के लिए है वो। ओके, उनसे कंफर्म कर लो। ओके, बाकी मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करोगे, फिर सेकंड ऑप्शन चूज होगा, फिर थर्ड होगा, ऐसे होगा। ठीक है, सेकंड राउंड में काउंसलिंग कैसे करनी है, मैंने ऑलरेडी उस पर बता दी है, वीडियो बना दी है मैंने, बता दी है आपको, पूरी वीडियो देखिए आपको पता चल जाएगा, है ना। बाकी सारे डाउट्स भी मैं वन बाय वन क्लियर करूंगा, अभी कमेंट सेक्शन देखूंगा थोड़ी देर में, फिर ऑब्वियसली शाम तक सभी को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा कि सभी का रिप्लाई शाम तक हो जाए। ठीक है, थोड़ा लेट हो जाए तो फिर यू नो आप समझ सकते हैं, आई एम लिटिल बिट बिजी दिस डेज। ओके, इसके अलावा खैर और कोई बात तो है नहीं है, धर्मशाला ही मिला है, और किस किस को धर्मशाला मिला है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिन्होंने एडमिशन कंफर्म करवा दिया है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि भाई मेरा भी एडमिशन जो है कंफर्म हो गया है। तो फिर मिलेंगे बाद में, जब जब भी क्लासेस लगती हैं या जब भी कोई और अपडेट आता है धर्मशाला कॉलेज की ओर से, तो फिर तब मिलते हैं, है ना। और बता दीजिए जो भी और धर्मशाला से हैं, जिनको धर्मशाला कॉलेज मिला है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हम मिल गया है, इतने नंबर पे मिला है, इतने रैंक पे मिला है। ठीक है, वो जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि अदर्स की हेल्प हो जाए। बाकी रही बात सीट्स की, कि इसके बाद सीट्स का ब्यौरा कब आएगा, कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स बचे हैं, वो एचपीयू रिलीज कर देगा, सेकंड काउंसलिंग से पहले पहले रिलीज हो जाएंगी। आज आई थिंक 16th है, तो मे बी कल तक आ जाए, 17th तक आ जाए या 18th तक आ जाए, है ना, टाइम भी लगता है ना बनाने में उसके बाद, तो उसको थोड़ा वेट कर लीजिए 17th या 18th तक, मतलब सेकंड काउंसलिंग से पहले पहले आपको वो मिल जाएंगी सीट्स की, धर्मशाला में कितनी है, एचपीयू में कितनी है, या अदर कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्हें प्राइवेट कॉलेजेस में ही सीट नहीं मिली है, तो उसमें पता चल जाएगा कि आपको मेडिकल में इतनी सीट है, नॉन मेडिकल में इतनी है, या आर्ट्स में इतनी है ना। ठीक है, बाकी थोड़ा सा आपको धर्मशाला के बारे में बता दूं, मैं धर्मशाला मुझे बोल रहे थे कि पूछ के आइएगा, भाई टाइम ही नहीं लगा, मैंने आपको बता दिया ना, सारा दिन वहीं पे वेस्ट हो गया, तो कैसे पूछता, किसी से कैसे पूछता, अपना ही वहां पे पड़ा हुआ था कि अपना हो जाए बस, बढ़िया है तब, है ना, यही दिमाग में यही चल रहा था। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि धर्मशाला में 50 सीटें हैं मेडिकल की, ठीक है, वो पता चल जाएगा आपको, 100 सीटें हैं नॉन मेडिकल की, और 100 ही सीटें हैं आर्ट्स की। ठीक है, टोटल 250 सीट्स हैं ना, 250 सीट्स आर देयर इन टोटल, सो 50 सीट्स आर ऑफ मेडिकल, नॉन मेडिकल 100 सीट्स आर फॉर मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड फॉर आर्ट्स ईच। ठीक है, दोनों के लिए 100 सीट्स हैं नॉन मेडिकल के लिए। ठीक है, उसके अलावा एक वीडियो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बता दूंगा, आज या कल तक वीडियो बना दूंगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन से रखने हैं धर्मशाला में, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा ऑप्शन है कि नॉन मेडिकल वालों को शायद मैथ रखना ही पड़ेगा, है ना, ऐसा कुछ है वहां पे, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं जैसे लैंग्वेज हूं, मैं इंग्लिश लैंग्वेज का हूं, तो मैं लैंग्वेज पर्टिकुलर टीचर चाहता था, मुझे सोशल साइंस नहीं रखनी थी, लेकिन वहां पे ऑप्शन है ही नहीं है ये, कि आप एक सब्जेक्ट के साथ जा ही नहीं सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसा है वहां पे, सब्जेक्ट का पंगा है, वो आपको बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज ही चाहिए, मैं आई डोंट वांट एनी अदर सब्जेक्ट, मतलब सोशल साइंस आई डोंट लाइक इट, ग्रेजुएशन में भी मैंने तभी रखी थी क्योंकि वहां पे सोशल साइंस का तो ऑप्शन था, मैथ था, दोनों में से एक रखना था, सोशल साइंस रख लो या मैथ रख लो या हिंदी रख लो। अब ऑब्वियसली क्योंकि मैंने इंग्लिश रख ली थी, ऑलरेडी एक लैंग्वेज रख ली थी, तो मैं दो लैंग्वेज रख ही नहीं सकता था, ये भी ऑप्शन होता जाएगा ना ग्रेजुएशन में, दूसरा सिस्टम में। उसके बाद मैथ तो आप मुझसे मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा मैथ कितना अच्छा है ना। और बाकी रही बात एसएसटी के अलावा, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो एसएसटी मैंने इसलिए हिस्ट्री रखी थी ग्रेजुएशन में, अब वहां पे उन्होंने बीएड में भी ही पंगा पा दिया, सोशल साइंस रख दी, बट खैर देखते हैं, अब अगर है नहीं है तो फिर क्या करेंगे, है ना, जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो बाकी भी सभी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है वहां पे, उसके बारे में पूरी वीडियो बताऊंगा, कुछ और डिटेल बताऊंगा धर्मशाला कॉलेज के बारे में, बाकी एचपीयू के बारे में बताऊंगा आपको, ये सारी चीजें कन्फर्म कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि इसी तरह के अपडेट आपको हमारे चैनल पर रेगुलर मिलती रहती है। और जो भी डाउट्स हैं क्लियर है, डाउट क्लियरिंग सेशन एक और कर लूंगा मैं, हो सकता है अभी पोल डालूंगा, एक पोल डालूंगा जिससे कि हम देखेंगे कि हम लाइव ही बात कर ले, है ना, लाइव में क्या होता है आप सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस टाइम पे फेस टू फेस क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी मैं एक दो के रिप्लाई करता हूँ, फिर कुछ कमेंट्स रह जाते हैं, फिर कुछ के रिप्लाई करता हूँ, फिर उन्हें समझ नहीं आता है, तो वो ये दिक्कत रहती है उसमें। ठीक है, तो एक लाइव सेशन करते हैं, मेरा ये कहना है, एक वोट डालूंगा, अगर आप लोगों के वोट्स आती है वहां पे, 100-200 लोग वोट्स करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली मैं लाइव सेशन लूंगा, लेकिन वही अभी 10-12 लोगों के लिए तो लाइव सेशन नहीं लूंगा। ठीक है, तो 100-150 अगर 200 वोट्स अगर आते हैं उस पे कि करो, तो फिर ऑब्वियसली एक लाइव सेशन करेंगे जिससे कि हम सारे डाउट्स क्लियर आपके कर सके। ठीक है, बाकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एक वीडियो आने वाली है, और कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस अपडेट्स आने वाले हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको साथ में ही अपडेट नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे चैनल का, ठीक है। उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही, ठीक है। तो इसी तरह की अपडेट लेके हम हाजिर होते रहेंगे आपके साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कौन सा गोल मिला है, ठीक है। चलिए फिर अगली बार वीडियो में फिर मिलते हैं।